आज पुनः तत्ता इनक्लेव के चौथे पांचवे पेड़ की तरफ, और ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ये पेड़ लगाया गया है। उनका नाम पूनम बंसल, बंसल जी का ये घर है। पूनम बंसल जी और मिस्टर बंसल जी के द्वारा ये पौधा लगाया है, इन बच्चों ने इन पे हेल्प की है। और ये भी गुलचिन का पौधा है, सब एक ही कतार में एक जैसे पौधे लग रहे हैं। इसके लिए बहुत मतलब ये जब फूल खिलेंगे तो ये अपनी असली उस पे आ जाएंगे, और तब ये सबको दिखेगा कि हाँ दत्ता एनक्लेव में जो है इतनी यूनिटी के साथ एक जैसे पौधे लगाए गए। तो दत्ता एनक्लेव वासियों को तो मैं वैसे ही हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, आपकी एकता हमेशा जिंदा रहे, आप इसी तरह से कार्य करते रहें। और ये जो पौधा लगा है, बच्चों के हाथ से पौधा लगा है, तो मैं बच्चों से जानना चाहूंगी कि आपने ये पौधा लगाया है इसके बारे में कुछ कहोगे आप, क्यों लगाया, क्या करते हैं, पौधा क्यों लगाना चाहिए हमें? इसे लगाना चाहिए। पहले अपना नाम स्वरा चौहान। स्वरा चौहान। स्वरा चौहान, क्यों लगाया पौधा आपने, क्यों लगाते हैं? हमें पौधा इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि क्योंकि अभी कोई भी हरियाली ज्यादा नहीं बची है, इसलिए हमें पौधा लगाना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ताली बजाइए इसके लिए। चलिए आप बताएंगे आपका नाम? दिवित बंसल। जोर से बोलो, दिवित बंसल। ये पौधा आपने लगाया है, इसकी देखभाल करेंगे आप? क्यों लगाना चाहिए हमें पौधे, जरूरी है पौधे लगाने, क्यों जरूरी? क्योंकि हमें सांस मिले, क्योंकि हमें सांस मिले और जीवन मिले, हमें ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन हमें इन पौधों से ऑक्सीजन मिले। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मैं मिस्टर बंसल से निवेदन करूंगी कि इस पौधे के बारे में आप कुछ कहें, कि आप यहाँ जो ये पौधे लग रहे हैं दास संस्था द्वारा, जो आपके साथ मिलकर के काम किया जा रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा कार्य है, मैं धन्यवाद करता हूँ दास संस्था का। धन्यवाद बंसल जी, कोशिश है कि हम अगली बार आएंगे तो ये पौधा हमें बड़ा और फूल खिले हुए मिलेंगे। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपके घर के सामने ये पौधा लगा है और ये आपको भीनी भीनी से खुशबू देता रहेगा और दत्ता एनक्लेव को हरियाली भी देगा। थैंक यू।